कार्ल मार्क्स के निर्णायक विचारों में सातवें नंबर का विचार है कि पूंजीवाद में आर्थिक व्यवस्था के रूप में शोषण निहित है और यह शोषण ही क्रांति को बढ़ाता है। कार्ल मार्क्स ने सदैव कहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत पूंजीपति ही समस्त संपत्ति का मालिक होता है, उत्पादन के साधनों पर उसका अधिकार होता है और श्रमिक के श्रम पर भी उसी का अधिकार होता है। वो अपने हिसाब से वस्तु का उत्पादन करवा के उसका मूल्य निर्धारित करके श्रमिक को पारिश्रमिक देता है, लेकिन जो बाज़ार में उस वस्तु को जिस दाम पर बेचता है और जो श्रमिक को उसका मूल्य चुकाता है, उस दोनों में जमीन आसमान का अंतर। तो वास्तविक में अधिकार तो उस अतिरिक्त मूल्य पर श्रमिक का होता है, मगर पूंजीपति इसे अपने हक में लेता है और उत्पादन को आगे बढ़ाता है। तो और यह प्रक्रिया चलती रहती है और यही शोषण है। जब शोषण बढ़ जाता है, असमानता बढ़ जाती है, श्रमिकों में असंतोष व्याप्त हो जाता है, तब श्रमिक क्रांति की ओर अग्रसित होते हैं। नंबर 8 है, वर्ग की संरचना संगठित हो जाती है, उसके परिणाम स्वरूप क्रांति के अवसर आते हैं। कार्ल मार्क्स ने आगे कहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग छोटे छोटे क्षेत्र के मालिक छोटे छोटे क्षेत्र में होते हैं, मगर एक छोटे क्षेत्र का मजदूर वर्ग संगठित होकर क्रांति नहीं कर सकता। क्रांति के लिए उन्होंने एक नारा दिया था, विश्व के मजदूरों एक हो, तुम्हारे पास बेड़ियों को खोने के सिवा और कुछ नहीं है। तो इसका भावार्थ यह है कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुम्हें डर हो खोने का। तुम एक हो सकते हो और एक होने के बाद ही तुम सशक्त क्रांति कर सकते हो। और मजदूरों के एक होने के लिए जो उन्हें पहले संगठित होना बहुत आवश्यक है। छोटे छोटे वर्गीय मजदूर संगठित होकर एक बड़े वर्ग में गठित हो जाते हैं और उनका सामान्य नियम सर्वहारा वर्ग में परिवर्तित हो जाते हैं। उसी प्रकार बुर्जुआ वर्ग भी, बुर्जुआ मतलब पूंजीपति वर्ग, छोटे छोटे पूंजीपति वर्ग जिन्हें कार्ल मार्क्स ने नाम दिया था पेटी बुर्जुआ वर्ग, तो ये पेटी बुर्जुआ वर्ग भी बुर्जुआ वर्ग की ओर संगठित हो जाते हैं। यानी कि जो मध्यम वर्ग होता है पूंजीपति और श्रमिक के बीच का, वो मध्यम वर्ग संगठित हो जाता है, अपने अपने ग्रुप से जुड़ जाता है। और उनका कहना है कि व्यक्ति के जीवित रहने की दशाओं का वर्ग द्वारा अपूर्व निर्धारण हो जाता है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी जो इच्छाएं रखता है, अपनी सुविधाएं रखता है, वह जिस जीवन पद्धति और जीवन शैली से गुजरना चाहता है, तो उसमें वर्ग के आगे वो सब, वो स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जब संगठन आता है तो संगठन के नियमों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को काम करना होता है, इसलिए उसमें अनुशासन पद्धति बहुत आवश्यक होती है। और अंत में ये क्रांति पूंजीपति के खिलाफ जो क्रांति का बिगुल के बारे में कार्ल मार्क्स ने जो बात कही है, उसका शुरुआत होती है। अगला है, मजदूर की भौतिक त्रासदी बढ़ जाएगी और इसी तरह उत्पादन व्यवस्था से उसका अलगाव भी बढ़ेगा। अब कार्ल मार्क्स ने अपने विचारों के अंतर्गत ये कहा कि मजदूर जब एक ही प्रकार के कार्य में लंबे समय तक लगा रहता है